उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के चखीरा नंद में प्रेमी प्रेमिका को मारी गई गोली। लड़के की मौके पर मौत, लड़की गंभीर रूप से घायल, स्वरूप रानी अस्पताल में चल रहा है इलाज। मामला प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के चखीरा नंद इलाके का है, जहां प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक और युवती की गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया, जिसमें लड़के की मौके पर ही मौत हो गई एवं लड़की को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों ही आपस में प्रेम प्रसंग में लिप्त थे एवं लड़की द्वारा फोन करके लड़के को देर रात अपने घर पर बुलाया गया था। घर वालों के अनुसार 3 बजे के करीब लड़की के पेट में दर्द था, जिसके बाद लड़के का पहुंचना संदेहास्पद माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर लड़की एवं लड़की को जिस तरीके से गोली मारी गई है, इससे ऑनर किलिंग का भी मामला सामने आ रहा है। इस विषय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अजय कुमार पांडे ने बताया कि लगभग 10:30 बजे लड़की के पिता घर वापसी करते हैं एवं अपनी लाइसेंसी पिस्टल को बाहर वाले कमरे के टेबल पर रखकर सो जाते हैं। उसके बाद 3 बजे के करीबन लड़की अपने माता पिता को पेट दर्द की शिकायत की, जिसके बाद पूरा परिवार सो जाता है। सुबह लगभग 4:45 बजे के आसपास परिवार वालों को गोली चलने की आवाज मिलती है, जिसके बाद छत पर पहुंचते हैं तो वहां लड़की घायल अवस्था में एवं लड़का मृत अवस्था में पाया जाता है। गौरतलब है कि इस पूरे वाकये में कई सवाल काफी संदेहास्पद थे, जिसमें पहले देवराज लड़के को घर पर बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा संदेहास्पद है कि लाइसेंसी रिवॉल्वर को बाहर के कमरे में क्यों रखा गया। तीसरा प्रश्न उठता है कि अगर लड़की ने लड़के को गोली मारी तो लड़की ने अपने पेट में कैसे गोली मार दी। मौके पर यमुना पार सौरभ दीक्षित और भारी फोर्स बल मौजूद। पीटीआई न्यूज के लिए राम बाबू पटेल की रिपोर्ट। ये थाना नैनी का प्रकरण है। पुलिस को करीब 5:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी सुनील मिश्रा के मोबाइल नंबर से कि छत पर एक लड़का और इनकी लड़की दोनों पड़े हैं। लड़का लगभग मृत अवस्था में है, लड़की भी काफी घायल है और एम्बुलेंस की सहायता चाहिए, ऐसी सूचना फ्लैश हुई थी। उस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें यहां पर पहुंची हैं, पीआरवी वाहन पहुंचे हैं, सारे अधिकारी पहुंचे हुए हैं। लड़की काफी गंभीर घायल थी तो उसको एसआरएन हॉस्पिटल इलाज के लिए भिजवा दिया गया। लड़का के भी गोली लगी हुई है, उसको फील्ड यूनिट के द्वारा जांच करा करके उसको भी मृत्यु का सही कारण और किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है उसको जानने के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है। प्रकरण में तत्काल तहरीर भी प्राप्त की गई है। शुरुआती तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। शुरुआती पूछताछ में जो बात सामने आई है वो ये है कि लड़का और लड़की क्लासमेट बताए जा रहे हैं, प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने आ रहा है और जो जिस असलहे से गोली चली है बता रहे हैं कि वो लाइसेंसी पिस्टल है और ये इन्हीं लड़की के पिता सुनील मिश्रा की ये लाइसेंसी पिस्टल है जो कि ये लेकर चलते हैं। और कल रात में अपने ढाबे से जब आए थे करीब 10 बजे तब लाइसेंसी पिस्टल को वहीं स्टूल पर रख दिए थे। उसके बाद खाना पीना खा करके ये पति पत्नी सो गए थे। फिर करीब 3-4 बजे के आसपास इनकी लड़की छत की तरफ से आती है, बाथरूम की तरफ से आती है और बताती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसके बाद फिर ये सभी लोग सो गए। कुछ समय के बाद जब गोली चलने की आवाज आई तब सुनील मिश्रा और इनकी पत्नी, जैसा कि इनका वर्जन है, ये लोग छत पर गए, देखा कि लड़का लगभग मृत अवस्था में और लड़की गंभीर रूप से घायल वहां पर पड़ी हुई है। लाइसेंसी पिस्टल लड़की के हाथ में था, ऐसा ये बता रहे हैं। इस तरह की बातें हैं तो ओवरऑल एक प्रेम प्रसंग का मामला समझ में आ रहा है। लाइसेंसी पिस्टल से गोलियां चली हैं। मौके से पुलिस को 4 खोखा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। लाइसेंसी पिस्टल पुलिस ने फील्ड यूनिट के माध्यम से कब्जे में ले लिया है। लड़का जो मृतक है जिसका नाम अर्णव सिंह सामने आया है, उसके पैंट के पॉकेट से एक कीपैड मोबाइल फोन भी मिला है। ये जानकारी मिली है कि लड़की 12वीं कॉमर्स की छात्रा थी, महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ती थी। लड़का भी महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ता था और 11वीं या 12वीं का
छात्र था। घायल लड़की की बुआ की एक लड़की भी यहां रहती है, उसने बताया कि अर्णव सिंह और इस घायल लड़की के बीच में दोस्ती थी और इंस्टाग्राम पर दोनों की बातचीत होती थी काफी महीनों से। ये चीजें शुरुआती छानबीन में सामने आई हैं, तहरीर प्राप्त हुई है, शुरुआती तहरीर को तत्काल पुलिस दर्ज कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी और गहराई से छानबीन करके यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि मृत्यु की क्या परिस्थितियां बनी हैं, यदि यह सुसाइड इत्यादि की घटना है तो किन परिस्थितियों में है, और यदि किसी और ने गोली चलाई है और सीन क्रिएट किया है तो उसके भी बारे में पुलिस पड़ताल कर लेगी। अभी क्योंकि शुरुआती छानबीन अभी चालू हुई है, आपको डिटेल से आगे अवगत करा दिया जाएगा। लड़का यहाँ आया, सबसे चीजें मिल रही है, अब उसमें जो चीजें निकलेंगे भी आगे निकालेंगे बताएंगे। चलिए, इन्होंने जब गोली की आवाज सुनी तब ये छत पे गए, ऐसा ही बोला। पुलिस को सूचना जो आई है रिकॉर्ड में 5:25 के आसपास आई, उसमें ये बताया गया है कि इस तरह से गोली लगी है, एक मृत हो गया है, लड़की मरणासन्न है, एम्बुलेंस बुलाइए। आइए।